मेरी अपनी राय में आपको बता रहा हूँ कि जब दज्जाल ने आना है ना, तो यहूदियों का बड़ा फैक्शन जो है ना इस वक्त, वो क्रिश्चियन साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। जो लिबरल यहूदी होते हैं उनकी बात हो रही है, जो उनके मौलवी हैं उनको कोई सीरियस नहीं लेता इधर, ठीक है। ज़्यादातर यहूदी लॉबी तो पैसे वाले लिबरल, लिबरल का मतलब वो उन्होंने कभी तौरात नहीं पढ़ी हुई। सो पूछे ना ज़रा दर्शोविट्स की, ज़रा डिबेट्स चेक करें। एलन दर्शोविट्स जो है ना, इनका बहुत बड़ा वकील बना फिर रहा है हार्वर्ड का, और फर्स्ट चेयर रहा है वो बड़े बड़े केसेस में, यूएन का कंसल्टेंट रहा है। तो रायत की 3 आयतें नहीं आती उसको, ऐसी ऐसी बातें तो रायत के खिलाफ कर रहा होता है। खुद भी कहता है यार मुझे नहीं पसंद वो किताब, मगर अपने आप को यहूदियों का बहुत बड़ा एडवोकेट है। तो यहूदी इस तरह के और भी बड़े हैं, मैं आपको क्या नामों की लिस्ट बताऊँ, 3-4 तो ऐसे हैं कि जो तो रायत के खिलाफ प्रॉपर प्रोपेगेंडा भी कर चुके, ठीक है। वो सिर्फ हॉलोकास्ट से जज्बाती होके कैश करते हैं अपने फेम और सब्सक्रिप्शन को। जो बिब्लिकल साइकोलॉजी है ना, जो बाइबल के थ्रू पिछले 2022 सालों से पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है, उससे जिस लेवल पे ट्यूनिंग हुई हुई है मुसलमानों की भी, इवन मुसलमानों के भी जो ओवरसीज मुसलमान है ना, वो भी बिब्लिकल साइकोलॉजी को इनहेरिट करते हैं, उनको खुद भी नहीं पता। फिर उनके बच्चे जब ऐसी वैसी हरकतें करते हैं, बातें करते हैं, तो परेशान होकर फिर पाकिस्तान भागते हैं, इंडिया भागते हैं कि हम बस डॉलर के पीछे आए थे, तबाह हो गए। नहीं, वो वहाँ पे भी तबाहें, इधर भी तबाहें, हमें भी, हम पे भी इन्फ्लुएंस अभी नहीं है तो आ जाएगा, है तो काफ़ी। फिर भी ये यूट्यूब नेटफ्लिक्स के, मैं इसके लिए ख़िलाफ़ हूँ, ये वो वाली साइकोलॉजी भी ट्रांसफ्यूज़ कर रहा है आपके अंदर। तो जब यहूद एल यहूद की जो मेजर लॉबिंग के पीछे साइकोलॉजी है वो बिब्लिकल है, तौरा की साइकोलॉजी नहीं है, तो उन्होंने मसाया के आते ही जिस तरीके की हरकतें और जिस तरीके की उसके ऊपर मसाइल करने हैं, वो वही शिरकिया ही होने जो कि क्रिश्चियन शिरक करता है। ज़्यादातर लिबरल यहूदी भी मसाया को, अपने मसीह को, दज्जाल को अल्लाह का बच्चा ही मानेगा, ठीक है। एक्चुअली अल्लाह का बच्चा तो मानेगा ही मानेगा, मगर उसकी वो अल्फाज बोल रहा होगा अल्लाह खुद ज़मीन पर आया हो। जो प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं ना, प्रोटेस्टेंट साइकोलॉजी इज़ नॉट द ट्रिनिटी, ट्रिनिटी इज कैथलिक साइकोलॉजी। ट्रिनिटी में बाप, बेटा और रूल कुद्स अलग है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट साइकोलॉजी में कोई अलग नहीं है, वो कहते हैं कि कोई ऐसी ट्रिनिटी कैसी चीज़ नहीं है, अल्लाह खुद ज़मीन पे आया हुआ है, अल्लाह एक ही है, ठीक है। वो यहाँ पे आके अभी तक वो कहते हैं गॉड इन फ्लैश, ये अल्लाह खुद है, कोई अल्लाह बच्चे नहीं देता। अब रही बात आपके सवाल की कि वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बच्चा मानते हैं, तो एक कबीला उस वक्त तो था, बिल्कुल था, कि जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह का बेटा मानते थे, और यहूदी खुद भी मानते हैं इस बात को कि एक फैक्शन हमारी थी, क्योंकि उज़ैर अलैहिस्सलाम उस वक्त आए थे जब यहूद बड़े टर्मोइल में थे, और उज़ैर अलैहिस्सलाम वाहिद बंदे थे जो कि आपने वाक़ पढ़ा ही होगा, 100 साल के लिए अल्लाह ताला ने उनको मार के फिर दोबारा ज़िंदा किया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला से कहा था मुझे आइनुल यकीन दिखाएं, आई वांट टू सी द प्रोसेस, ठीक है। और जब वो रीइनकार्नेट हुए तो उन्होंने जाकर 100 साल गुजरने के बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम को किसने याद रखना था, मगर उज़ैर का पता तो था, तो उन्होंने जब फिर अल्लाह की किताबें सुनानी शुरू की तो लोगों के लिए वो बड़ा मिरेकल था कि ये कैसे हो सकता है, ये कौन है बग़ैर पढ़े वो ये किताब सुना रहा है। तो उन्होंने फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम को, ये वाक़ कुरान पाक में इसी तरीके से दर्ज है कि जो अब उनको मार के दोबारा ज़िंदा किया अल्लाह ने, ठीक है, वो आपने पढ़ा है सूरह बकरा में। तो जब लोगों के सामने ऐसा वाक़ शुरू हुआ तो लोग पागल हो गए, फिर लोगों ने कहा नहीं ये आम आदमी नहीं हो सकता, यहाँ तक कि आम आदमी नहीं हो सकता से लेके अल्लाह का बच्चा ही है यहाँ तक पहुँचा दिया। अल्लाह की किताबें सुना रहे थे ना उज़ैर अलैहिस्सलाम, ये थोड़ी कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम तो सच्चे नबी हैं, उन्हें थोड़ी कहना कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ या मैं अल्लाह हूँ। तो ये बाद की नस्लें जो होती है ना, ये हवाई गपशप करने वाली यूट्यूबर्स, ये फिर वीडियो सुनाती हैं कि तुमने देखा है आज एक बंदा, या ऐसा वाकया आपने कहीं नहीं देखा होगा, तो इस तरह की बातें करते करते फिर यही ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया भी बुक ऑफ मैथ्यूज़ में उसी तरीके से दर्ज है, जीसस और जीसस बराबस और जीसस ऑफ नाज़रेथ दोनों इकट्ठे पकड़े हुए थे। ये मैं बुक ऑफ मैथ्यूज़ सुना रहा हूँ डायरेक्टली, मैं कोई मुसलमानों की तरफ से किया गया केस नहीं सुना रहा हूँ, बुक ऑफ मैथ्यूज़ जिसने पढ़ी है उसको पता है। अब वो जो मर्ज़ी बहाने करते रहे, हिब्रू में पढ़ें,
बराबस का मतलब होता है कि बराबास, ये ना हिब्रू में बराबास, ठीक है। अब हम उसे बराबस बोलते हैं ना। जीसस बराबस अलग था, जीसस ऑफ नाजरत अलग था, दोनों पकड़े गए हुए थे दोनों। उस वक्त चांदनी चौक तो बहुत मेजर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सेंटर है ना। आप किसी ऐसे इलाके में पकड़ें जहाँ पे कोई वीडियो, कोई कैमरा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उधर की खबर इधर आएगी तो हम क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे वहाँ के लोग, जैसे सियालकोट में क्या हुआ, अभी हमें नहीं पता असल में क्या हुआ है, सुनी है ना हमने, हमें क्या पता उसने कौन सा स्टिकर फाड़ा था या क्या किया था। तो इसमें गांधी साहब कहते हैं ना, हमें क्या पता हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद की क्या हुई थी, हम उस वक्त थोड़ी थे उधर। हदीस ना ना मानो तो ये साइकोलॉजी में बीमारी भी ऐसी आ जाती, हदीसों में नबी अब्दुल्ला बिन अब्बास को ख्वाब आया नबी अलैहिस्सलाम का जब हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो रही है। नहीं भाई साहब, वो हदीस नहीं मानेंगे तो फिर हमें क्या पता क्या हुआ था। तो सवाल ये है कि हमें क्या पता आपके साथ क्या हुआ, फिर बिकॉज हमें तो हदीस से गुजर पता है असल में क्या हुआ था। तो फिर जीसस ऑफ जीसस बराबस एंड जीसस ऑफ नाजरत, ये दोनों पकड़े और उसका पॉन्शियस पायलट नाम था उस वक्त के गवर्नर का, उसने, अभी वाकई किसी वजह से सुना रहा हूँ आपको ताकि पता चले साइकोलॉजी सीप इन कैसे करती है, तफसील में जाने का मकसद है ताकि पता चले इंसान की साइकोलॉजी नफ्सियात कैसे सही गलत को सही मान लेती। सो दो जीसस इकट्ठे हुए, ठीक है, ये मैथबुक को मैथ्यूज पर सुना रहा हूँ डायरेक्ट ही। पॉन्शियस पायलट की बीवी को ख्वाब आया कि सुबह तू एक जीसस को रिहा कर देगा। वेडिंग एनिवर्सरी थी दोनों की, असली में शादी की सालगिरह थी, तो बड़ा रोमांटिक किस्म का था ये पॉन्शियस पायलट। उसने कहा अच्छा बेगम को ख्वाब आया कि जीसस को रिहा करना है, तो उसने जाके फिर आके टेरेस में ऐलान किया, टेरेस के नीचे ही ऑल्टर है जहाँ पे बंदा मारते होते हैं लोग, सारे लोग इकट्ठे हुए, सारे कितने 600-700 बस। उसने कहा कि कौन से जीसस को रिहा करूँ, तो लोगों ने कहा कि फलां जीसस को रिहा कर दो, सारे उन्होंने ईसा इब्ने मरियम का ही कहना था, ठीक है, तो क्योंकि ईसा इब्ने मरियम के तो लवर्स थे सारे, तो दूसरे वाले को उसने मार दिया, जीसस ऑफ नाजरेथ को छोड़ दिया। अब मगर जीसस तो स्लीप पर चढ़ाया गया था, अब कौन सा जीसस था, बुक ऑफ मैचिस में बताया कौन सा जीसस चढ़ाया, हैरत है, किताब खुद उनकी बता रही है कौन सा जीसस बच गया, कौन सा जीसस, ठीक है, विच जीसस वॉज क्रूसीफाइड, विच जीसस वॉज नॉट, ये मुसलमान होने के बावजूद मैं उनकी किताब कोट कर रहा हूँ, बुक ऑफ मैथ्यूज पढ़ें ज़रा लेटर चैप्टर्स। अल्लाह ताला ने फिर क्या कहा, अब खबर क्या हुई, जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया, जीसस क्रूसीफाई, ईसा क्रूसीफाई हो गए, ईसा क्रूसीफाई होगी, खबर आई हमारे पास सियालकोट में बंदे को मार दिया, ठीक, हमें अभी भी खबर आई है। अल्लाह ताला ने क्या कहा, इट वॉज मेड फॉर देम टू बिलीव, अल्लाह ताला कुरान पाक में बता रहे हैं कि हमने ऐसा ऐसा लगा इनको, ऐसा इनको लगा कि हमने इनको ऐसा दिखाया कि जैसे जीसस क्रूसीफाई हो गए, ठीक है। सो खबर उड़ा दी गई और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाना था पीछे से, हमें पता है अल्लाह की सुन्नत क्या है, मैं अपनी राय यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसा कोई दर्ज नहीं है, मगर दो फरिश्ते आएंगे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, ईसा अपने मरियम के पास भी आएंगे कि चलें पोर्टल खोल दिए ऊपर चलें आप, बिकॉज इस वक्त हमने इन सब को, इट इज़ मेड टू बिलीव, हमने इनके ऊपर, ठीक है, वमा कातलु वमा सलबु अल्लाह ताला, ना उनको कत्ल किया गया ना उनको सलीब पर चढ़ाया गया, बट ठीक है, मगर ये दिखाया गया उनको कि जैसे ईसा हो गए हैं। बहरहाल क्यों आपको बता रहा हूँ, अब अगर वो क्रूसीफिकेशन का स्टोरी ना एज इज प्रोपगेट की जाती तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी की बुनियाद रखनी नहीं थी, ईसा इब्ने मरियम का ओरिजिनल दीन जो जेम्स प्रोपगेट करता रहा पॉल के अगेंस्ट, क्यों तू कौन सी कहानियाँ सुना रहा है, मेरे भाई ने ये कहानी नहीं सुनाई हमें कि वो अल्लाह का बच्चा है या फिर कोई डिवाइन मखलूक है, आम आदमी था वो, अल्लाह का बरगजीदा मतलब नबी था, बस वही आती थी उस पर, मगर नहीं आप पूरी की पूरी क्रिश्चियन डम जो है ना वो अल्लाह का बच्चा मानना शुरू हो गए। अगर क्राइस्ट का लव्स जो है ना वो निकाल दें तो जीसस इज स्टिल अ प्रॉफिट। क्रिस्टेडल्फियंस यूनिटेरियंस अभी भी दुनिया पूरी के क्रिश्चियंस में छोटी तादाद है मगर फोर्थ बिगेस्ट रिलीजन है, फोर्थ बिगेस्ट रिलीजन है क्रिस्टेडल्फियंस यूनिटेरियन मिला लें तो, वो तो ईसा को आखिरी नबी मानते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना साहिल मियाँ आप मेरी क्रिसमस कहने के हक में क्यों आओ, मैं मेरी क्रिसमस कहने के किसी के हक में नहीं हूँ, मैं तो बर्थडे मनाता नहीं होता किसी की, नबियों क्यों मनाऊंगा, मगर
जिस बेस पे आप लोग कहते हैं ना ये मौलवी साहब के, मेरी क्रिसमस कहने पे अल्लाह का बेटा साबित हो रहा था, पैदा होना तो बेटा साबित नहीं होता। 24 जनवरी 24 को कह दिया करो मेरी क्रिसमस, अगर तुम्हें 25 से मसला, क्रिस्टी डेल्फिन को कह दूँ मेरी क्रिसमस, वो तो नहीं मानते अल्लाह का बच्चा, वो तो अपने आप क्रिस्चियन नहीं कहते। बहरहाल बात क्यों जा रही है, पॉइंट इज आप अल्लाह का बच्चा बनाने की साइकोलॉजी के पीछे साइंस समझें, ये बाई डिज़ाइन वाला डॉल लीन का जो सीगा है ना, ये बाय डिज़ाइन अल्लाह ताला का, कि अगर इस तरह की हरकतें करोगे तो तुम उस जगह पर जाके मेख लगा दोगे कि जो तौहीद के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाके लगती है। नबियों में तफरीक करना ठीक है, वो बड़ा गुनाह है, दोज़ख में ही जाओगे, मगर अल्लाह के कॉन्सेप्ट के ऊपर आप मेख लगाओगे तो उसके पीछे भी पूरी की पूरी एक स्कीमा है, हमारी नफ्सियात है, वो समझें। आप तक भी ऐसी ऐसी खबरें पहुँची हुई इस्लाम के बारे में जो असल में इस्लाम नहीं है, वही क्रिश्चियन के साथ ही हुआ, वो वाली खबरें पहुँचा दी पॉल ने जो कि क्रिश्चियनिटी में थी नहीं, उन्होंने उसको फिर मजहबी बना दी। फिर उसको क्या चाहिए था, पॉल को कुछ चाहिए था ना, वरना तो मैं और आप बातें ही कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। पॉल को कुछ चाहिए था, उसको चाहिए थी ताकत, फिर उसने फिर कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम पॉल ने पढ़ा, उसको इन्फ्लुएंस करवाया और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन बन गया। अब मैं आपको क्यों ये क्रिश्चियनिटी की इतनी तफसील बताई आपके सवाल के बदले, क्योंकि जब सूरह कहफ स्टार्ट होती है ना तो ऐसे लगता है कि क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ है। होमवर्क एक और दे रहा हूँ, वो लफ्ज़ सोचें जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने पढ़ें इस मौके पे ईसा अलैहिस्सलाम की सलीब पे चढ़ाने के वाक़े के ऊपर अल्लाह ने क्या इस्तेमाल किया है, कि वो लफ्ज़ क्या है कि जो अल्लाह ने कहा कि इनको हमने ऐसा दिखाया, ऐसा लगा इनको। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इनकी वजह से, अल्लाह ने कहा मैंने खुद किया इनके साथ ऐसे। बाइबल ने खुद, अल्लाह ने देखे, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है। वो वाली आयतें बाइबल में इन्होंने अभी तक चमका के रखी हुई हैं, जो मैंने आपको सुनाई अभी बाइबल बुक ऑफ मैथ्यू से, कि ये दो जीसस कहाँ से आए भाई। अभी तक एक खास फिरका है, वो क्रिश्चियन डेल्फिन्स हैं एक्चुअली, इवन प्रोटेस्टेंट्स के अंदर, जो उस पायलट को सेंट पायलट बोलता है, पॉन्शियस पायलट को सेंट पायलट बोलता है। बाकी क्रिश्चियन से पूछें ना जरा, ये सेंट पायलट क्यों है भाई, जिसने ईसा को स्लीप पर चढ़ाया वो सेंट कैसे हो गया, वो अल्लाह का वली कैसे हो गया, जिसने हमारे नबी को कत्ल किया है वो अल्लाह का वली कैसे हो गया। तुम्हारे तो खुदा है ना, तुम्हारे खुदा को मार दिया, वो फिर सेंट बोल रहे उसको, कॉमन सेंस की बात है। मगर नहीं, अब अंधा होना होता ना, तथ्य के पीछे अंधा हो रहा था हम इंसान, कि यार कोई पूछे अबू जी सेंट पायलट क्यों है, दुनिया का सबसे गंदा क्राइम जिसने किया है उसको हम अल्लाह की वलायत दे रहे हैं, सेंट पायलट, अभी भी सेंट पायलट बोल रहे हैं उसको, क्योंकि उसने असली वाले ईसा अलैहिस्सलाम को निकाल दिया था, कि अपनी वर्जी से नहीं, लोगों ने कहा था ठीक है यार वोट डालो, डाल दिए वोट, चलो ये वाला जीसस बच गया। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, ये दीज आर अप फॉर आर्ग्यूमेंट्स, ये वकालत के क्वेश्चन है कि सर ये बताएं फिर ये कहानी कहाँ से क्यों लिखी हुई है, लिखी हुई है गलत है तो अपनी बाइबल में रखी हुई है तुमने, गलत है इतने बाइबल में रखते हो, नहीं सही है, सही है तो फिर बाकी की मामला तो गलत हो गए फिर आप।